राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की बीजेपी सरकार और सीएम राजे पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने सरकार को गाय और शराब से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सेस लगाना था तो किसी और चीज पर लगाते। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे को लेकर भी सीएम राजे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम राजे प्रधानमंत्री मोदी को गुमराह कर रही है। वर्तमान प्रधानमंत्री बीजेपी करवा रही है, बुला बुला करके, कभी रिफाइनरी, कभी सोल टेस्टिंग, कभी रिफाइनरी, और कुर्सी की जो सड़कना खड़ा कुर्सी पर जाके आप बुला रहे हो कि 3 लाख लोग इकट्ठे करने हैं। अरे 3 लाख जब आप 5 लाख इकट्ठे कर लो कि प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करने वाली, आपका घर जाना निश्चय है। गहलोत यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीएम राजे पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि राजे ने स्वर्गीय उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी की बेइज्जती की है। जो बेइज्जती करी अपने कार्यकाल में उपराष्ट्रपति महोदय को एक भी अक्षर नहीं दिया तो आकर चुनाव करे उपाध्याय। गहलोत के बयानों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा कि गहलोत ने आपातकाल पर कुछ नहीं बोला। माहेश्वरी ने शराब पर सेस लगाने को रेवेन्यू बढ़ाने का जरिया बताया है और कहा है कि कांग्रेस शराब और गाय को जोड़ने की राजनीति कर रही है। अशोक गहलोत जी का काम है कुछ भी चुटकियां लेना, क्योंकि वो पहले अपने घर में अपने वहां व्यवहार में झांककर देखे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरीके का माहौल चल रहा है। वो जो बूथ मेरा गौरव करके जो उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है वो पूरी तरीके से फ्लॉप शो है, और उसके अंदर हम लोगों ने सबने देखा कि कैसे जूते चप्पल चले हैं उनके कई कार्यक्रमों में इस तरीके के। इसलिए वो पहले अपने परिवार को संवार ले, फिर बाद में कहें कुछ। गहलोत साहब ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं हमको, मतलब वो तो यही कहेंगे कि हमको राज में आना है। निश्चित रूप से उनको कहना भी चाहिए, बेचारे पहले 24 सीट पर आ गए, 23 सीट पर, और अब वो जो ख्याली पुलाव पाल रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, ये उनके लिए मुंगेरी लाल के सपने सिद्ध होंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर हुए हों। लगातार सरकार की योजनाओं को लेकर वो तीखी बयानबाजी करते हैं और हाल के दिनों में दोनों पार्टियों से बयानबाजी तेज हो रही है। बीजेपी ने भी आपातकाल के मुद्दे को जमकर भुनाया। ऐसे में कांग्रेस भी बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर का मजमून आपने देखा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं किसी भी प्रदेश में या उस देश में जुबानी जंग तेज हो जाती है। ऐसा ही कुछ राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन अशोक गहलोत साहब अपने जयपुर दौरे के दौरान उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा पे हमला किया। उनका कहना था कि राजस्थान सरकार शराब पे 20% सरचार्ज बढ़ा करके गायों के लिए
पैसे इकट्ठा करना चाहती है, कम से कम गायों को तो शराब से दूर रखी। उन्होंने यह भी कहा कि इंदिरा गांधी को इस तरह से पेश किया जा रहा है कि जैसे बहुत बड़ी विलेन है, वो देश के एक सच्ची हीरो रही हैं, उनकी उपलब्धियों को भी बताया जाना चाहिए। राजनीति में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए लेकिन प्रतिशोध नहीं होना चाहिए, और उन्होंने सीधा हमला बोला है कि बीजेपी के नेताओं में प्रतिशोध इस वक्त झलक रहा है। जैसे ही कोई उन्हें आईना दिखाने की कोशिश करता है तो उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। खैर चलिए, इमरजेंसी को लेकर के बीजेपी ने और सरकार ने अपनी ओर से मंत्रियों को और बड़े नेताओं को मैदान में उतारा, कांग्रेस इसका जवाब दे रही है। अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की कार्यशैली पे भी सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी हो चाहे वसुंधरा राजे हो, आज आपातकाल जैसे हालात प्रदेश और देश में इन लोगों ने पैदा कर रखे हैं। खैर से लबोलवाब यही है कि उन्होंने पूरी तरह से भाजपा और भाजपा के नेताओं को जमकर कोसा है। तो चलिए, हमारे साथ शील धाराई जी भाजपा से जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अशोक गहलोत ने जमकर हमला बोला है और कई चीजों को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये मर्यादाओं के खिलाफ है, चाहे बयानबाजी की बात हो चाहे सरकार के स्टेप्स की बात हो। हालांकि किरण माहेश्वरी जी आपकी ओर से जवाब देने के लिए आई, उन्होंने कहा भी कि ये बौखलाहट है और बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस में जो डिफरेंसेस हैं उनको आपने सुना भी किरण माहेश्वरी जी को। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि तमाम जो चीजें अशोक गहलोत आरोप लगाते हैं, बजरी माफियाओं की बात हो चाहे मुकदमे दर्ज करने की बात हो या फिर पॉलिसी की बात हो, उन्होंने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भीड़ इकट्ठी करना चुनौती तो है ही, लेकिन पहले के जो दो दौरे रहे हैं वो मोदी के ठीक नहीं रहे और एक बार फिर झूठ के पुलिंदे बांध करके और उनके सामने पेश करने की तैयारी की जा रही है। देखिए योगेश जी, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगी कि जिस तरह से राजस्थान में अशोक गहलोत जी को नकारने की कोशिश की जा रही है, उनमें जो कहना चाहिए कि जिस तरह से इनकी जो धड़ेबंदी सामने आ रही है, एक पक्ष जो है सचिन पायलट को प्रोजेक्ट करना चाहता है, दूसरा पक्ष अशोक गहलोत का, तो अशोक गहलोत दिल्ली में बैठ के छटपटाहट महसूस कर रहे हैं और वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो उनके बयानों से स्पष्ट झलक रहा है। अब वो नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के दौरों की बात कर रहे हैं। आप देखिए, जहां भी नरेंद्र मोदी जी गए वहां पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। चार साल में जो विजन उन्होंने देश के सामने प्रस्तुत किया, राजनीति में क्या होना चाहिए और क्या देश के लिए कमिटमेंट होना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। जो ये बात खनन माफियाओं की जो बात कर रहे हैं, तो मैं आपको जो आंकड़े मैं आपको बता सकती हूँ कि इनके टाइम में जो हुआ है, एक सेकेंड देखिए, पिछली जब इनकी सरकार थी 929 प्रकरण दर्ज किए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने 9382 प्रकरण दर्ज किए हैं। पिछली सरकार के 2.68 करोड़ रुपए वसूल किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार ने 41.63 करोड़ किए गए हैं। शील जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, मैं देखिए सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ आप लोगों की कार्यशैली पर। निश्चित रूप से आप जो आंकड़े लेकर के आई हैं, आप सरकार में बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही आंकड़े होंगे, लेकिन बजरी माफियाओं को लेकर के एक आम जो जनता के बीच चर्चा है, एक धारणा जो बन चुकी है कि माफिया जो है, इसमें कोई संदेह नहीं, आप लोग डंपर जब्त कर रहे हैं, आपकी गाड़ियां जब्त कर रहे हैं, सब कुछ जब्त कर रहे हैं, लेकिन एक मैसेज जो पब्लिक के बीच है कि कितनी महंगी बजरी कर दी गई, माफियाओं को सह दे रही है सरकार, एक सीधा मैसेज ये जा रहा है। विधानसभा में आरोप लगे, आप लोगों की ओर से कोई ऐसा ठोस जवाब नहीं दिया गया, सिर्फ यही कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस मामला है, तो ये जवाब अभी तक बीजेपी उस तरह से नहीं दे पा रही कि जो सरकार प्रतिपक्ष का देखे काम हमला करने का है। आप लोग भी प्रतिपक्ष में थे तो सरकार को कोसते थे, लेकिन आम जनता जिसके जेहन में ये बात बैठी हुई है कि बजरी महंगी सरकार की नीतियों के कारण हुई है और माफिया को आप लोग पनपा रहे हैं, ये मैसेज बिल्कुल मैं सहमत हूं, लेकिन आप एक आम पब्लिक को कैसे आप इससे ब्रीफ करेंगे? आपकी पार्टी के विधायक कहते हैं कि हम बजरी पॉलिसी में हमारी थोड़ी चूक रही है। नहीं देखिए, मैं आपको वो जो जिस तरह से लोगों ने मैसेज कांग्रेस देने के प्रयास करे, मैं आपको बता दूं इनके समय में 151 अवैध खनन पर FIR दर्ज हुई थी, जबकि हमारे सरकार में 923
एफआईआर दर्ज हुई है और जिस प्रकार से जो बजरी खनन माफियाओं को पकड़ा जा रहा है, जिस तरह से धरपकड़ हो रही है, वो अपने आप में जनता के सामने आ रहा है। और जब हाई कोर्ट ने कहा है कि जब भी इसका जो स्टे हटेगा, और मैं समझती हूँ लोगों को सुविधा मिलेगी और एक वैकल्पिक बजरी के रूप में एक इस तरह का एक मेटेरियल तैयार किया जा रहा है, जब वो जनता के पास पहुंचेगा तो निश्चित तौर पर उस पर राहत मिलेगी। कैसे दृष्टि की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, उसी की बात। लेकिन वेरे साहब, उसका अच्छे बेहतर को परिणाम नहीं बताए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उससे कुछ हो नहीं पा रहा है बजरी, ये बात मैं सहमत हूं कि आज नहीं तो कल आपको सॉल्यूशन पे तो जाना पड़ेगा जी, ये बात ठीक है। लेकिन एक मैसेज की मैंने बात कही है कि देखिए, राजनीतिक दल एक मैसेज के लिए काम करते हैं और मैसेज मतदाता के बीच जाना चाहिए। मैसेज चाहे इस बात का हो कि सरकार आपके लिए कुछ कर रही है, मैसेज इस बात का होना चाहिए कि माफियाओं से बिल्कुल सरकार का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैडम, वो एक जो मैसेज होना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। जवाब आपके मंत्री जी ठीक से विधानसभा में दे नहीं पाए। नहीं देखिए योगेश जी, मैंने जैसा कहा कि जो कांग्रेस है, मतलब एक तिल का तार बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से उनकी जो फेलियर है, उनके सामने कोई मुद्दे बचे ही नहीं है जिनको लेकर वो सरकार। जी ये बात है कि देखिए, प्रतिपक्ष कभी भी, आप लोगों की भी यही स्थिति थी, हम लोग उस भूमिका को नहीं भूले। और काम है प्रतिपक्ष का ये कि कितनी भी बातें हैं उन्हें बड़ा चढ़ा करके जनता के बीच पेश करना। प्रतिपक्ष के पास क्या होता है? प्रतिपक्ष के पास तो यही होता है कि सरकार इस मुद्दे में फेल रही है, जनता के बीच देखिए ये मार्केट है, ओपन मार्केट कहूंगा मैं तो। अब ये कोई ये नहीं है कि आइडियोलॉजियां किसी की बची नहीं है, कि आप अगर विकास के दावे जनता के बीच ले जा करके आप साबित कर देते हैं तो जनता के बीच आपको कोई दबाने वाला नहीं है। और अगर प्रतिपक्ष जाकर के आपके फेलियर्स को साबित कर देता है या जहन में उतार देता है कि बिल्कुल सरकार टोटली फेलियर है, तो इनके साथ जाएंगे। क्योंकि 2013-14 के दरमियान प्रधानमंत्री जो वर्तमान के हैं, उस वक्त के बीजेपी के चीफ कैंपेनर नरेंद्र मोदी साहब ने यूपीएस गवर्नमेंट 2 के जो फेलियर पॉइंट्स थे उन्हें हाईलाइट किया और उन्हें बुलाने में सफल हुए, तभी तो आप लोग बैठे सत्ता में। तो यह एक तो ओपन मार्केट है, आप लोग दोनों अपनी स्ट्रेटेजी से कौन जनता के बीच अपनी छाप छोड़ पाता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। आरसी चौधरी साहब के पास में जाऊंगा मैं। आरसी चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि एक एक बात करके अशोक गहलोत कई हमले बोले हैं और उन्होंने ये बात कही है कि शराब पे 20% सरचार्ज जो आप लगा रहे हैं, कम से कम गायों को तो दूर रखे इससे। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूंगा कि देखो, रेवेन्यू रिसोर्सेज है ये भी एक लिकर भी, तो सरकार गायों की सेवा करनी है, वो पैसा किस सेस से कैसे ले रही है? हालांकि बात तो अलग है कि गायों की सेस के नाम पे 0.5% हर प्रोडक्ट पे वैसे ही लिया जा रहा है, फ्यूल पे भी लिया जा रहा है, तो इस सेस की ऐसी कोई आवश्यकता थी नहीं, लेकिन फिर भी लेकर भी बढ़ाया गया है। तो रेवेन्यू के माध्यम से अगर सेवा हो रही है तो कोई सरकार उन्हें शराब थोड़ी पिला रही है गाय को। योगी, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आस्था का विषय है, गाय को किसको लेकर चल रहे हैं? गाय एक आस्था का विषय है, हम उसको पशु के तौर पर नहीं ले चल रहे, बहुसंख्यक लोगों का एक आस्था से जुड़ाव है। अगर जीव के तौर पर लेकर चल रहे तो बहुत से इस धरती पर जीव जंतु है जिनकी संरक्षण की और रक्षण की बात होनी चाहिए, लेकिन जब गाय को लेकर चल रहे हैं, घरों के अंदर आमाम तमाम संस्कृतियों में ये सुनते आए हैं कि अगर आप अपने बच्चे की फीस भी भरते हो तो वो फीस आपके पसीने की हो, ताकि वहां पे नतीजे जो है, जो उससे जो रिजल्ट जो आए वो सकारात्मक आए। आज आप जिस प्रकार से उनको उनके लिए बजट के प्रावधान की जो बात कर रहे हो, उस प्रावधान के अंदर वो पैसा जो शराब माफियाओं के द्वारा हो या शराबी के द्वारा हो, वो पैसा का हिस्सा तो एक नहीं होना चाहिए। अगर सांस्कृतिक बात करते हैं, अपने आपको सांस्कृतिक और संस्कारवान पार्टी करने वाली, अगर किसी चीज के लिए, अगर धर्म के लिए उपार्जन अगर किसी नशे से हो, निश्चित रूप से ये लगता है कि संस्कृति भारतीय जनता पार्टी में बची नहीं। लेकिन इससे पहले जिस प्रकार से इन्होंने रेवेन्यू के ऊपर शेष लगाया था, जहां पे स्टाम्प ड्यूटीज के तौर पे 10% का शेष लगाया, उसको अभी बढ़ा के 10% से बढ़ा के 20% किया, 350 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू का कलेक्शन किया, 3 साल तक गाय नदारद रही। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता गाय तो रही, गाय नदारद कहां से? नदारद इसलिए रही, देखिए मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इससे पहले आपको ध्यान होगा, इसी वर्षा का समय था, हमारे 5 जो जिले हैं वो अतिवृष्टि से प्रभावित थे, जहां पे जो पंचमेढ़ा की जो गौशाला है वो अपने हाथ में एक ऐतिहासिक गौशाला है, उस गौशाला की पूरी जो गाय है वो बह गई थी। यहां पे आपने स्वयंमाधोपुर के अंदर देखा होगा गायों के कंकाल, जो कंकाल का ढेर लगा देता जेसीबी से, उन्हें चारा और पशु के चारा तक नहीं मिला था। यहां पे अपने हिंगोले की गौशाला थी, गौशाला का मंत्रालय का गठन कर दिया, उसके बावजूद उस गौशाला का संचालन मंत्रालय को ना देके और इसके पास में नगर निगम के पास में ही रहा, और विभागों के मंत्री है वो विवादास्पद बयान देते रहे। निश्चित रूप
से आपकी मानसिकता गवर्नेंस की होती तो नतीजे बेहतर होते। 2016-17 से आप बजट की सेंक्शन शुरू करते हैं, 350 का कलेक्शन कर लेते हैं। इसलिए क्या गाय के लिए जो धर्म के नाम की सेंस कटी के आप जिसको आपने बहुसंख्यक लोगों के एक पवित्र उनके लिए आस्था का जो चीज मानते हैं क्या उसके लिए आपको धन का उपार्जन शराब के सहारे से करना पड़ेगा, ये सोचने की बात है। दूसरा, सिंधा भाई जी ने कहा कि गहलोत साहब की छटपटाहट है, ये छटपटाहट गहलोत साहब की इस प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के लिए है और ये कांग्रेस के तमाम नेताओं की है जो इस कांग्रेस पार्टी का दायित्व का निर्वहन करें। गहलोत साहब ने यहां पर 2 साल तक इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार का नेतृत्व किया है और आज जब उनकी लोक कल्याणकारी जितनी योजनाएं थी उन योजनाओं पे सुराज संकल्प यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने जो हमले किए थे और उन्होंने कहा था कि ये दवाई के नाम पे जहर बांट रहे हैं और हमने तो बेजवान पशुओं के लिए दवाई की व्यवस्था की थी, तमाम जो अनगढ़ जो बयान दिए थे जब लंदन में बैठी मैडम अंतिम समय के बाद में दबाव बना के और नेता प्रतिपक्ष बनी और सुराज संकल्प यात्रा पे गई और सुराज संकल्प यात्रा पे तमाम जो निर्णय एक गरीब के घर पे जहां पे 2 रुपए किलो तक अनाज पहुंचाने का, एक वर्ग के घर पे पेंशन पहुंचाने का, एक पशु जो बेजवान था जिसका वोट नहीं पड़ता उसकी एक मानवता थी और उस मानवता को किस प्रकार से राजनीतिक फायदे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दुष्प्रचारित किया। आज जो आदमी इंसुलिन की टेबलेट ले रहा है, योगेंद्र जी आपने देखा होगा पेपर के अंदर स्टूल के अंदर टेबलेट निकल जाती है, पानी के अंदर टेबलेट निकल रही हो रही है, 650 जो दवाइयां फ्री मिलती थी आज वो 400 से नीचे आ गई है। देखिए जिस प्रकार जो कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने पिछले जो लास्ट के 10 महीने थे उसमें जिस तरह से रेबड़ी बांटी, जो 12 महीने का 6 महीने बिल्कुल, और जिस तरह से अस्पतालों की जो हालत थी, बच्चे जहां पर होते थे उनको चूहे उनकी आंखें कुतर के जा रहे थे और जो दवाइयों के बोरी की बोरी नकली दवाइयां जो बाहर मार्केट में बिखेरी जा रही थी वो देखे। योगेंद्र जी योगेंद्र जी अभी आपने देखा होगा पेंशन दवाई दवाई मांगी थी दवाई थी स्टोर में भरी हुई थी, अभी मेरे सीकर जी ने के अंदर पीछे की जो हुई है आपको उसके अंदर इतनी है कम दवाइयां मिली और भारतीय जनता पार्टी इतनी नाकामी को छुपाने की आवाज बना रही है, जवाब नहीं दिखाने चाहिए जाकर वो मात आपको इतनी सीट पर कैसे ला दिया जो आप बार बार इस बात का देश की प्रदेश की जनता को गुमराह किया आपने, भड़काया आपने, लोक आपने 25 लोकसभा दी, क्या किया इस देश ठगा महसूस कर रहे हैं आज हर हर सड़क पे जवाब सुनो जवाब सुनो क्या किया आपने सील दवा की पूरी तैयारी के साथ है जवाब सुनिए सील जी का जी सील जी बोलिए ये बार बार किसानों की बात करेंगे जी ने भी किसान अभी मैं नहीं जो किसानों के बजरी का जो मामला था वो गलत इसमें उनका सीधा आरोप ये था कि माफियाओं के साथ में सरकार ने साथगार की, ये मेरा जवाब वो नहीं है, ये अशोक गहलोत जी का सीधा आरोप है। और उन्होंने ये भी कहा है कि एम्प्लॉयमेंट हो नहीं पा रहा, एक मजदूर चाहे वो हो चाहे पढ़ा लिखा युवक हो अगर बेरोजगार होता है तो बड़ी पीड़ा होती है कि बहुत सारे लोग बेरोजगार में, मिस्त्री बेरोजगार में है, मजदूर बेरोजगार है, काम बंद हो गए बजरी के अभाव में, योजनाएं जो आपकी हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने साफ कहा कि चाहे ब्रिज बन रहे हों चाहे दूध सीमेंट बजरी से बनते हैं उनको लेकर के उनका जिक्र था कि बेरोजगारी फैल रही है। दूसरा, आपने जिस बात का भी जिक्र करना चाह रही थी कि किसानों के कर्ज माफ की, किसानों के कर्ज माफी के लिए भी उन्होंने कहा है कि बजट में 2000 करोड़ का जो प्रावधान किया था वो तो आपने अभी अपेक्स बैंक को ट्रांसफर नहीं किया और लगातार कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, चेक बांटने की बात कर रहे हैं, 6000 करोड़ का आप लोगों को व्यवस्था करनी है, वो व्यवस्था अभी तक हो नहीं पाई है, कोई तैयार नहीं है लोन देने को, क्योंकि किसानों के साथ ऐसा मजाक क्यों किया जा रहा है, जैसे गहलोत जी का हमला है आप लोगों पे। नहीं देखिए ये मैं बताती हूँ इस बात को कि जिस तरह से किसानों की जो कर्ज माफी किए 50-50 हजार रुपए उनके जो किसान किए, सहकारी बैंकों के अल्पकालीन फसली ऋण प्लान से जुड़े हुए मैडम बजट का बादशाह है, बजट मुख्यमंत्री ने पढ़ा था, कितनी तारीख का है बताइए, 2017 का 2018 है, 2018 में क्या हुआ, कितने समय बाद हुआ बताइए आंकड़ा, मैं वही आंकड़ा बता रही हूँ। अच्छा जो फसल ऋण बीमा के जो है ना 28 लाख किसानों को जो फायदा पहुंचा है, सुनो सुनो कर्ज माफी का अलग बात है, एक कर्ज माफी अलग बात है और आप
असली ऋण उपलब्ध करा रहे हैं या इंश्योरेंस कर रहे हैं वो एक अलग इश्यू है। यहाँ कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, कर्ज माफी करीब 26 लाख किसानों का इश्यू है, वो एक अलग बात है। उसमें अशोक गहलोत जी का कहना है कि आपके पास में 6000 करोड़ रुपए की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, ये किसानों के साथ सीधा मजाक है। और जो आरसी चौधरी अब आरोप लगा रहे थे, या कहें कि अशोक गहलोत या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, वो कहना है साहब बजरी के मामले में कि बेरोजगारी फैल रही है, सरकार की नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। जी आरसी जी हाँ, इसका छोटा जवाब दे दीजिए फिर मैं श्याम शर्मा जी के पास में। देखिए बेरोजगारी की जहां तक बात है, ये जो बजरी खनन का भी जो मैंने बताया जिस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है, और जिस तरह से वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी में इसमें कमी आएगी। और जहां तक मैं बताऊं युवाओं की जिस तरह से बात है, जिस तरह से हमने स्किल डेवलपमेंट का जो उनको ट्रेनिंग दी है, युवाओं को ट्रेनिंग दी है, और कम से कम 15 लाख हमने जो रोजगार के अवसर जो लोगों को प्रदान किए हैं, और जो मुद्रा योजना के तहत जिस तरह से जो ऋण दिया गया है, आज लाखों लोग उससे फायदा हो रहे हैं। और हमने ये स्टैंड अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया इंडिया मेक इन इंडिया, ये उनका ये कहना था कि किसानों की कर्ज माफी की आप बात तो कर रहे हैं, निश्चित रूप से किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। पैसे की बात कर रहे थे कि 6000 करोड़ रुपए की व्यवस्था अभी तक नहीं बैठी है, आप लोगों ने अपना अभियान शुरू कर दिया तो एक मजाक के रूप में बता रहे हैं कि सीधा मजाक उड़ाया जा रहा है किसान का। नहीं देखिए, किसानों का मजाक हमें कभी भी नहीं उड़ाया मजाक। अगर उनकी बिजली के जो बिल है माफ करने की बात हुई है तो उसको भी हमने माफ किया है। चौधरी जी आप एक मिनट बताइए, आप क्या मैं योगेंद्र जी एक तो ये कहना चाह रहा था कि सरकार ने एनजीटी ने जब सरकार सत्ता में आई थी तब यहाँ पे पॉल्यूशन के इश्यू को लेकर इसको उठाया था। आज 4.5 साल पूरे होने को है, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर खनन माफिया बढ़े और खुद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर इस बात को स्वीकार किया कि हम अवैध खनन को रोकने में असफल रहे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला हो, चाहे वहां पे उनका हाड़ोती का हो जहां पे मध्य प्रदेश के लोग नेता लेके जा रहे हो, चाहे पुलिस के डिप्टी के लिए उनका अधिकारी हो, तमाम लोगों पे जिस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं ये दर्शाते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा नेक्सस माफिया और सरकार के बीच में बना हुआ है, और जो लोग नेक्सस से जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों का अंधाधुंध व्यापार चल रहा है। आज तमाम जो कंस्ट्रक्शन के काम थे वो बंद हो चुके हैं, लोगों के पास में जहां जो जुदी झोपड़ी में रह रहे हैं उनका किराए देने के लिए पैसा नहीं है, डेली जो अपना घर का आजीविका जो चलाते थे वो खत्म हो गए। आज इतना लंबे समय जाने के बावजूद किस प्रकार से राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनओसी जारी नहीं की और ना एनजीटी से उन्होंने एनओसी ले पाए, सरकार अपनी नाकामियों को आखिर कब तक छुपाते रहेगी? प्रदेश के अंदर से अर्थव्यवस्था से जाना चाहिए, जो कोई परिस्थिति रही वो बतानी चाहिए थी, और जो लोग जो डेली आजीविका पे जो जीवन जी रहे हैं उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी? आखिर सरकार इतनी संवेदनहीन कैसे हो जाती है कि सिर्फ राजनीतिक अपना एजेंडा ही दिखता है, इसके अलावा कहीं कोई कुछ नहीं दिख रहा? ये जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है। जिस प्रकार से किसानों की उन्होंने बात की, किसानों पे उन्होंने जिस प्रकार से 8000 करोड़ रुपए का हवाला दिया, 2000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया, 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया, और अपेक्स बैंक ये कह रहा है कि सरकार की कैबिनेट जो है वो फैसला ले और सरकार इस कोलेटरल यहां पे डिपॉजिट करके उस बैंक को कहे, तब तक नहीं हो पाई। आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जाके जिले के किसान को बुला के और चौपाल में उसको जिस प्रकार से अपमानित करें, आखिर क्या वजह हुई कि आपको उस पर जाना पड़ा? एमएसपी पे उसकी फसल को खरीद नहीं पा पाए, जहां पे उसको अतिवृष्टि और अनावृष्टि का सामना करना पड़ा आप उसको सुरक्षा नहीं दे पाए। श्याम शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े। श्याम जी आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे ये जवानी जंग और तीखी तेज हो सकती है। अशोक गहलोत साहब ने सीधे हमले बोले हैं, मुख्यमंत्री पे भी बोला है, केंद्र पे भी बोला है, बीजेपी भी बोला है, बजरी एक बड़ा इश्यू है और दूसरा किसान के कर्ज माफी का जो मामला है, बीजेपी इसे बड़े रूप में कर्ज माफी बजरी में तो कर क्या करेगी, कर्ज माफी को बड़े रूप से बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी तक जो आरोप आ रहे हैं सामने कि 6000 करोड़ की कोई व्यवस्था नहीं बैठी है, सरकार चलो 2000 करोड़ रुपए आप बजट एलोकेशन में डाल देंगे, आज नहीं वो कल देंगे, लेकिन और पैसे का क्या होगा, इसे एक मजाक का रूप दिया जा रहा है कि किसान की फसल आप खरीद नहीं रहे, डूब रही है, लहसुन के लिए भी उन्होंने जिक्र किया है, और ऊपर से उसके आंसू पहुंचने के लिए जो एक अभियान चला रहे हैं वो उसे जख्म और दे रहा है। इसी तरह से बजरी खनन के मामले में भी उन्होंने माफिया और सरकार के बीच गठबंधन की बात कही है, एक साठ गांठ की बात कही है। देखिए योगेंद्र जी, मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जी, आज पूर्व मुख्यमंत्री जिस हिसाब से आरोप लगा रहे थे कह रहे थे कि केंद्र आपको सहयोग नहीं कर रहा, उन्होंने कहा कि 7 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और सरकारी खर्चे पर एक बड़ा तामझाम स्थिति कर रहे हैं,
क्योंकि कांग्रेस के प्रधानमंत्री आते थे तो इनको बुद्धिजीवी का सम्मेलन करना पड़ता था, इनके साथ संकट ये था। अब इनके प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ा रिश्ता देखना पड़ता है, 2.5 लाख लोगों की बात भी। प्रधानमंत्री देखे मन का कह रहे हो, केवल बीजेपी नहीं, नहीं, नहीं कह रहा हूँ, वो वाली बात नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मनमोहन सिंह जी आए थे तो आपने देखा था, मैं और आप भी गए थे, कहा इनका बुद्धिजीवियों का सम्मेलन कॉलेज में कराया गया था। अब क्योंकि अब अंतर है दोनों प्रधानमंत्रियों में, लेकिन ये बात सही कि आज अशोक गहलोत ने कुछ चीजें सही तरीके से उठाई। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्जा माफ करने की बात सीसीसी बैंक, सहकारी बैंकों को कर्जा माफ किया। चलिए मैं शाम जी एक मिनट के लिए आ रहा हूं आपके पास, मैं छोटे से ब्रेक के लिए आया हूं, क्योंकि हम ब्रेक के बाद हम जल्द लौट रहे हैं इसी मुद्दे पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बीजेपी नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे सबको जयपुर दौरे के दौरान आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि सरकार योजनाओं को बना करके महज एक सपने की तरह दिखा रही है जनता को, जो पूरे होने वाले नहीं लगते हैं। सरकार की नीयत ठीक हो तो पूरे भी हो सकते हैं। उन्होंने चाहे बजरी का इश्यू हो या चाहे शराब पर सरचार्ज की बात हो या फिर बजरी की बात हो या किसानों के कर्ज माफी की बात हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के लिए उन्होंने उठाए कि सरकार क्यों फेल हो रही है इनमें। ये सीधा सीधा एक आरोप है। श्याम शर्मा साहब के पास में था मैं ब्रेक से पहले। श्याम जी आपसे जानना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जो बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के कि 2.5 से 3 लाख लोगों को इकट्ठे करने की जो योजना है वो एक योजना हमारी होती है, उस पर कुछ अलग चाशनी लगा करके और उसे पेश करने की कोशिश की जाती है, अभी भी इसी तरह से होगा? उन्होंने कहा कि चाहे सूरतगढ़ में आए हो तो योजना हमारी थी सोयल हेल्थ कार्ड की, हमने रिफाइंड का काम शुरू करा दिया था, अब उसको कार्य शुभारंभ नाम दिया गया क्योंकि हमने कहा था कि भई आप इसको कर ही नहीं सकते तो आप क्यों कर रहे हैं ये, और रिफाइंडरी अभी तक, रिफाइंडरी का फिर जिक्र किया उन्होंने कि रिफाइंडरी अभी कहीं धरातल पर नहीं आ पाई है, जनता को बहुत गुमराह किया गया, बजरी की बात हो चाहे कर्ज माफी की बात हो। आपने सही कहा था ब्रेक से पहले कि देखिए प्रधानमंत्री आते हैं, पार्टी की शीर्ष लीडरशिप होती है, वो उनसे जब आते हैं किसी भी स्टेट में किसी शहर में तो एक कोशिश की जाती है कि एक बड़ा कार्यक्रम सरकार की तरफ से उस पार्टी के लोगों की तरफ से किया जाए, वही बीजेपी कर रही है, लेकिन कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है इसे? देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि प्रधानमंत्री का जयपुर में आना, क्योंकि आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में वो लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप देखते हैं। अब बीजेपी यहाँ पर 2.5 लाख लोगों को लाना चाहते, तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत का आरोप यह था कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं कि उनकी कुर्सी किसी तरह बच जाए, शासन उन अमित शाह और प्रधानमंत्री के सामने संदेश चला जाए कि लोग उनके साथ हैं, इसलिए 2.5 लाख लोगों को जयपुर में ला करके एक शक्ति परीक्षण वाली बात हो रही है कि कितने लोगों को क्या क्या बेनिफिट हुआ है, किस तरह की बातें हुई है। हम उनको प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने की बात हो रही है। अब चीफ सेक्रेटरी ने सब जगह निर्देश दे दिए कि वो सारी डिटेल लाए, कलेक्टर्स ने भी सब जगह अपने अपने तरीके से, सब विधायकों को कहा गया कि भाई आप बेनिफिट किस किस को मिला साथ लाओ। अब कितने लोग आ पाएंगे, क्योंकि अमरूद के बाग में यदि सभा हो रही है तो 2.5 लाख लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वहां जगह नहीं है। अब अगर दूसरी जगह होती तो उसमें 2.5 लाख प्रश्न चिन्ह यहाँ लगेगा कि 2.5 लाख लोग कह रहे हो तो 2.5 लाख नहीं आएंगे, तो अगर लाख भी जुट जाते हैं तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री जी के खाते में जाएगी। अब वो देखिए, वो कह रहे थे कि बजरी के मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी सही ढंग से नहीं की, उसका परिणाम यह हुआ कि वो उलझा हुआ मामला चला, और वो कह रहे हैं कि एक बात मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे, अब अशोक गहलोत साहब आरोप तो लगा रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन सरकार क्यों नहीं चाहेगी वहां सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने की, क्यों सरकार को इससे फायदा क्या है, सरकार को तो नुकसान है। देखिए उन्होंने जो आरोप लगाया कि ये सब चीज जो अवैध खनन के रूप से जो कमाई हो रही है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पुलिस को बिगाड़ा जा रहा है, पुलिस बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि कल मैं भी जब आ रहा था लौट करके तो मैंने भी एक थाने में जाके शिकायत की तो मुझे दिन भर बिठाए रखा और कुछ परिणाम नहीं निकला। उन्होंने आरोप आज सामने कहे भी रहे थे, लेकिन कटारा साहब ने इस पे ये कहा है कि अगर अशोक गहलोत रिटर्न में कोई शिकायत देते तो उस पर कार्रवाई होती, कि उन्होंने रिटर्न में कुछ दिया ही नहीं है।
नहीं वो तो कह रहे थे प्रार्थना पत्र दिया आपके सामने बात हो बिल्कुल कह रहे थे, लेकिन गुलाब चंद कटारिया को थाने ने जो जानकारी दी है ये दी है कि वहां पे कोई उन्होंने कोई इस तरह का लेटर नहीं दिया। अब वो उनका कहना था कि जिस प्रकार से लोग परेशान हैं और वो तो सीधे तौर पे अमित शाह पे भी आरोप लगा रहे थे कि पैसा वहां तक जा रहा है, बट रहा है क्योंकि चुनाव है इसलिए जानबूझ करके इस तरह से माहौल बना करके पैसा हो रहा है। ये चीजें सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, सरकार को जवाब देने की स्थिति में किरण महेश्वरी ने दिया जवाब, लेकिन वो तथ्यात्मक रूप से क्योंकि तत्काल देने की स्थिति में नहीं होता है सरकार को, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को खुद वो कहते थे कि वो तो मंत्रियों को कहते थे जवाब दो, खुद जवाब नहीं देती है जो मैं आरोप लगाता हूं। मैं आरोप लगा रहा हूं तो निश्चित रूप से मेरे ऊपर भी वो आरोप लगा सकते हैं किस तरह का मेरा पुराना शासन क्या था, लेकिन वो आरोप नहीं लगते। अब वो एक दो तीन चीजें रिफाइनरी के बारे में कह रही थी कि प्रधानमंत्री को मजबूरन मेरे कहने के बाद ये कहना पड़ा कि मैं शिलान्यास करने नहीं जा रहा हूं, मैं कार्य का शुभारंभ करने जा रहा हूं, उनका केवल दीवार बनी है आगे कुछ भी नहीं हुआ, ये तो कह रहे थे आपके सामने बातें हो रही थी। तो निश्चित रूप से जिस तरह की चीजें आज वो रख रहे थे और जिस तरह की बातें वो कर रहे थे उससे लग रहा था कि वो काफी कुछ स्थिति में अलग तरीके में आ गए हैं और जो प्रहार करने की स्थिति में उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। वो देखिए गायों को आप शराब पे टैक्स लगा करके गायों को मत जोड़िए उसके साथ, क्योंकि गाय और शराब अलग अलग दोनों चीजें हैं। तो वो कह रहे थे कि नहीं अब करण मिश्र ने तो साफ कह दिया कि नहीं रेवेन्यू बढ़े चाहे किसी से भी हो, अब उसका उपयोग कहाँ होगा वो तो अलग कह रही थी। ये बात सही है कि अगर शेष जिसके माध्यम से जिसपे लेते हो उस पर खर्च होता है, नियम है, अगर वो दूसरे से बात करें तो अलग है, लेकिन ये बात सही कि आज जिस प्रकार के आरोप पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उनके सामने वाले बंगले में लगाए, वो कह रहे थे कि मेरी पड़ोसन, आज वो बहन नहीं कह रहे थे पड़ोसन कह रहे थे, सामने ही रहती है, मुझको तो मिलती नहीं है, मंत्रियों से भी नहीं मिलती, आम लोगों से नहीं मिल पाती है, पत्रकारों से नहीं मिलती है, उनको अब आगे आकर हाँ। के जवाब देना चाहिए। चलिए कुल मिलाकर के माना जा सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये तेजी से बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ना केवल राजस्थान की बात करेंगे, कमिंग डेज में जिन स्टेट्स में इलेक्शन होंगे वहां पे यही स्थितियां बनने वाली हैं। और पहली मरतबा ऐसा नहीं बन रहा है कि अशोक गहलोत जी को नए आरोप लगा रहे हों या सरकार उसका जवाब जिस तरह से दे रही हो। अशोक गहलोत साहब जब सत्ता में थे यही जब दिन थे, वसुंधरा राजे पूरे प्रदेश की एक स्वराज संकल्प यात्रा पे निकली हुई थी, वो हर जगह से सीधे वो भी हमले बोल रही थी, तस्वीर बदल रही है इस वक्त, तस्वीर इस मायने में बदल रही है कि पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अशोक गहलोत थे, वसुंधरा राजे अपोजिशन में थी, अब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हैं और प्रतिपक्ष में इस वक्त अशोक गहलोत यानी कि विरोधी दल के में उनकी पार्टी है। एक बार फिर शील दवाई जी के पास में जाना चाहूंगा। शील जी, यहां प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर के आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी को भी गुमराह किया जा रहा है, राजस्थान सरकार की ओर से भाजपा की ओर से उन्हें सच्चाई नहीं बताई जा रही है कि किस स्थिति में प्रदेश चल रहा है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला है कि प्रधानमंत्री आते रहे हैं जयपुर के अंदर लेकिन सच्चाइयों की जानकारी लेनी चाहिए उनको, उनके पास इतना बड़ा सिस्टम है और सरकार एक रैली के लिए जो प्लान कर रही है, गवर्नमेंट भीड़ लाने का एक जिम्मा दिया जा रहा है, एक टारगेट दिया जा रहा है, दबाया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, इतनी भीड़ आपको लानी ही होगी, ये तमाम ये दर्शाते हैं कि सरकार की लोकप्रियता घट रही है। प्रधानमंत्री के नाम पे तो स्वतः भीड़ होनी चाहिए, ये सीधा कहा है अशोक गहलोत ने, तो आप लोग क्या भीड़ जुटा नहीं पा रहे हैं? एक डर इस बात का लग रहा है कि सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह पहले भी कह चुके हैं कि राज्यों की भाजपा शासित राज्य हैं उनकी सरकार, केंद्र की सरकार, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता इस बात का मैसेज करें कि हम कौन सी योजनाएं लेकर के आए हैं, जो आपके लिए क्यों जरूरी है, क्यों आप उसमें भागीदारी बढ़ानी चाहिए, आपको किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है। तो अशोक गहलोत जी का साफ कहना था कि एक डर है बीजेपी के अंदर, बीजेपी के नेताओं के अंदर कि कहीं से पोल ना खुल जाए। नहीं देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से चार साल में, साढ़े चार साल में राजस्थान सरकार ने जो केंद्र की जो योजनाओं को जिस प्रकार से इंप्लीमेंट किया है, चाहे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा कार्ड योजना देख लीजिए, हमारे जल स्वावलंबन योजना देख लीजिए, महिला सशक्तिकरण की बात कर लीजिए, और जो बहुत सारी जो योजना है, राष्ट्रीय योजना की बात कर लीजिए, जो डायरेक्ट जनता के सामने जिनको लाभ मिला है वो लोगों को लाना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री खुद ये बात देखना चाहते हैं कि जो
योजनाएं लागू हुई हैं, आपने अलवर में भी देखा कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो सीधे जो लाभांश से बात कर रही थी उनका उद्देश्य यही है। तो जो 2.5 लाख लोगों को जो लाभ पहुंचाए उनको वो लाना चाहते हैं, और प्लस भीड़ की कहीं बात नहीं है, 50,000 जो हमारे बूथ है उनके अध्यक्षों को बुलाया गया है। तो इस तरह से 3 लाख का टारगेट रखा है। अगर भीड़ की बात होती, अगर चुनावी कोई माहौल की बात होती तो 3 लाख या 4-5 लाख लाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए या वहां की जनता के लिए किसी भी तरह की कोई असंभव बात नहीं है। तो जो कुछ है, जो योजनाएं हमने की, जो हम लेके गए जनता के बीच में, वो सामने वो लाभार्थियों से खुद बात करेंगे, और जब नरेंद्र मोदी आएंगे तो ये 2 लाख लोगों से कैसे बात करेंगे मैडम, एक साथ सिस्टम है क्या? नहीं देखिए, जिस जो पहले भी करी थी ना उन्होंने, तो जो लाभार्थी आपने झुंझुनू में भी देखा होगा, जो महिलाओं ने लाभान्वित की थी उनसे उन्होंने बात बारे में बात की थी करेंगे कि लाभार्थी ये एक हर योजना के बिल्कुल बिल्कुल वो सारी वो खुद जानकारी लेंगे। और जो आप ये कह रहे हैं, लेकिन कैसे तय होगा सरकार? ऐसा तो नहीं होगा कि अमित शाह साहब यहाँ पे आए थे और खाने की व्यवस्था एक दलित के घर पे करवा दी गई है, दलित के यहाँ से बाद में चर्चा हुई कि दलित भी अपना था और खाना कहीं बाहर का था, तो वो प्रधानमंत्री जी पर्टिकुलर अगर ऐसे किसी व्यक्ति से बात करना चाहिए कैसे उसको लाभ मिला, या सरकार की ओर से जो तैयार करके लेके आया जाएगा उसी से बात करेंगे? नहीं देखिए, जब व्यक्ति को लाभ मिला है तो वो कोई भी हो, वो किसी से भी जाके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आपने झुंझुनू में देखा महिलाओं से कोई सिलेक्टेड नहीं थी, जो 200-300 महिलाएं इकट्ठी की उनमें से वो किसी से भी बात कर सकते हैं। 200-300 ही सिलेक्टेड थी मैडम, उसमें बिल्कुल साफ था, वो तो सिलेक्टेड जो बाकायदा बुलाया गया था। और अब तो सरकार किसी भी स्तर पर रिस्क नहीं उठाएगी, क्योंकि झुंझुनू में जिस तरह से व्यवस्था की पोल खुली थी, काले झंडे दिखा दिए गए थे, और बात थी, बड़ा सख्त रहेगा नरेंद्र मोदी जी की जब सभा में, क्योंकि गृह मंत्रालय की अलग एडवाइजरी है पुणे के केस में, जो लोग मंदिर तक मंत्री भी सहायता के साथ बहुत कर दी गई है। 2 लाख तो 2 लाख लोगों से संवाद का जो कार्यक्रम रहेगा, ये एक बड़ा सरकार के लिए भी चैलेंज है कि कैसे करा पाएंगे आप लोग? देखिए अभी व्यवस्था किस तरह से होती है अभी पता चलेगा, 2-4 दिन में जिस तरह से मीटिंग चल रही है किस प्रकार से लाभार्थियों को मिलाया जाए। तो सब सांसदों और विधायकों से बैठ के बात तो की है? हाँ किए ना, जो यहाँ के सेक्रेटरी है वो भी लगे हुए हैं उसमें, चीफ सेक्रेटरी है, अब तो एसपीजी के हाथ में चला गया सारा कि 2 लाख लोगों से मिला पाएंगे नहीं। प्रोग्राम देखिए 2 लाख योजनाओं का जिस तरह से वो जैसा भी चाहेंगे उनके वहां से पीएमओ से जो आदेश होगा किन लोगों कितने लोगों से किस प्रकार की वो जानकारी लेना चाहेंगे तो वो उस तरह से वहां पर पूरी व्यवस्था की जाएगी। और एक बात और कहना चाह रही थी मैं, जो आप कह रहे थे कि इस पर ये जो शराब का जो है इस पर से गायों के लिए क्यों लिया जा रहा है, देखिए जिस तरह से गाय माता के लिए जो हमारी आस्था का प्रतीक था, हमारे जयपुर में भी आपने देखा कि चारे के अभाव में खाने के अभाव में जिस तरह से गायों की मौत हुई, और एक प्रश्न चिन्ह बन गया। पहली बार किसी ने माना है कि गायों की मौत चारे के अभाव में और अव्यवस्थाओं की वजह से, अभी तक किसी ने माना नहीं है, सच्चाई और हुआ भी यही था, लेकिन हर बात में उसे ढकने की कोशिश की जा रही थी, सच्चाई है उसे स्वीकार करना चाहिए। तो सरकार इस बात को मानते हुए पूरी प्राइवेट जो है गौशालाएं उनको भी दी, सरकार ने भी व्यवस्था की, और जितना भी पैसा हो सकता था सरकार ने उनको दिया। अगर इसमें से शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, ये मानते हैं कि हम उसके एक बहुत बड़ा रेवेन्यू वहां से आता है, उसको बिल्कुल बंद भी नहीं किया जा सकता, लेकिन आम आदमी के लिए अच्छी नहीं। वो रेवेन्यू देखिए कोई भी सरकार होगी वो रेवेन्यू कलेक्शन का बहुत अच्छा है, और इसको टोटल बंद भी नहीं किया जा सकता। जिन राज्यों ने बंद करके देखा उसके भी परिणाम कोई सुखद परिणाम नहीं आए। अगर गायों का इसमें से अगर पैसा जाता है तो मैं समझ में नहीं आता कि इसमें प्रश्न लगाने की कौन सी बात हो गई। आप एक तरफ तो बात करते हैं, आप सबसे पहले कांग्रेस वाले जाके मान इनके खाचे में आवाज उस पर पहुंचे थे गौशाला पर गायों के लिए, अगर गाय के नाम पे वोट चाहिए आपके वहाँ पे, जहाँ पे दलदल में गाय फंसी हुई थी, जहाँ दलित फंसी गए वहाँ पे आरक्षण लेके गए थे, उन गाय जहाँ दलदल में फंसी हुई थी उन गायों को निकालने का काम कांग्रेस ने किया, सेवा दल ने किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप इस बात को स्वीकार किया, आपके जमाने में आपने स्वीकार किया। हाईकोर्ट क्या कहता है आपके जमाने में, क्या हाईकोर्ट कहता था और क्या नहीं कहता, वो जी सब बताएंगे। इसका मतलब मेरी बात सुनिए, हमारे सरकार ऐसे ही काम करेगी, आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि सब सरकार ऐसे ही काम करती है, आप इस बात को स्वीकार करें, ये सरकार है या स्वीकार करें।
मेरी बात शाम में आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये मैडम सुन लीजिए, आपने आपको बहुत अच्छी तरीके से सुना, पूरा बोलने का मौका दिया और आपने जितने पल्ले लाए थे वो सब पढ़ दिए। पढ़ना लेकिन अभी ये एक घंटे की डिबेट है, योगेंद्र जी फिर टाइम दे देंगे आपको चाय के समय पे पढ़ना। लेकिन आपने देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ पे आए, प्रधानमंत्री के दो कार्यक्रम हो सकते हैं, एक कार्यक्रम सरकार का हो सकता है, सरकारी पैसे पे खर्च उस सरकारी कार्यक्रम का हो सकता है, लेकिन दूसरा कार्यक्रम अगर पार्टी अपने प्रचार के लिए करना चाहती है तो निश्चित रूप से पार्टी के पास में इतना बड़ा फंड है, वो पार्टी के पैसे से कितने भव्य प्रोग्राम करे, सरकारी प्रोग्राम कर रहे हैं। आपसे छोटा सा मेरा सवाल है, बहुत अच्छी बात कही ये, लेकिन आपका सुझाव हो सकता है पार्टियां इसे फॉलो नहीं करती हैं, क्योंकि पहले भी जब उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह साहब जब यहां पे आए थे, इलेक्शन का टाइम था राजस्थान में विधानसभा का, उस दौरान बुद्धिजीवी सम्मेलन करवाया गया क्योंकि इतनी भीड़ का भरोसा नहीं था। सर एक सेकंड बस, मैं तो ये बात कहना चाह रहा हूं, वो सरकारी खर्चे पे करवाया गया बाकायदा, तो ये ऐसा कब का हो रहा है कि जब राजनीतिक दल होते हैं कि सरकार में होते हैं, जब सरकार में होते हैं तो उनके सरकार का कुछ अलग होता है कार्यक्रम, जिसके अंदर पैसे सरकार खर्च करती है और बड़े पंडाल बना करके पार्टी के लोग हैं वो अलग से खर्चा करें, अगर उन्हीं की सरकार राजस्थान स्टेट में भी है और केंद्र में भी है होनी चाहिए। मैं तो स्वागत करता हूं कि आपने नई परंपरा की बात कही है, लेकिन ऐसा कैसे उम्मीद कर रहे हैं योगेंद्र जी? अगर देश के प्रधानमंत्री इस राज्य को कोई सौगात देने के लिए आ रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार भव्य प्रोग्राम करे, वहां पे लोगों को लेके आए। हम आपने कहा कि हमने बुद्धिजीवियों का प्रोग्राम किया, एक कॉलेज के अंदर किया, अगर किसी बुद्धिजीवी लोगों के साथ में इंटरेक्शन करके अगर कहीं पे योजनाओं को क्रियान्वयन में अगर कोई भूमिका हो, या फिर एक गांव से बस के अंदर उनका खाना पीना तमाम व्यवस्थाएं करके और यहां पे लेके आया जाए, और आप किस प्रकार से दोनों को एक साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं? देश के प्रधानमंत्री जी यहां पे तीन बार, उनका शायद तीन बार आने का मौका रहा। पहली बार वो सूटगढ़ के अंदर आए, सूटगढ़ के अंदर जब आए थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि हर पंचायत पे सोयल हेल्थ हम लेबोरेटरी का स्थापना करेंगे। आज तक वो कहीं पे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो लेबोरेटरी थी उसके अंदर आज तक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वहां पे जो लेब के अंदर पोस्टिंग्स होनी चाहिए वो नहीं हो पाई, एक भी नई लेब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो होनी चाहिए थी वो नहीं खोल पाए। दूसरा, जब उदयपुर के अंदर आए, उदयपुर के अंदर वो किसी योजना का शिलान्यास करके जाते, बाड़मेर के अंदर आए जब रिफाइनरी के कार्य का शुभारंभ करने की जो बात आए थे, देखिए मैंने आपको बिल्कुल विरोधा नहीं डाला, इस प्रदेश के अगर हित की कहीं बात होती है निश्चित रूप से होनी चाहिए, लेकिन उस समय 500 करोड़ बजट की घोषणा की, प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद में वहां पे शून्य हो गया, जब वहां पे समाचार पत्रों में वापिस छपा उसके बाद में 500 करोड़ रुपए का हमने से कुछ पैसे रिलीज करके और भूमि के सिर्फ चार दीवारी बनाने का कार्यक्रम किया। आखिर रिफाइनरी इस प्रदेश को कितने समय तक आपने किस प्रकार से वंचित रखा? झुंझुनू में जब आए तो इस प्रदेश को शर्मसार करने वाली जो स्थिति है, जहां पे महिलाओं के अपराध के आंकड़े हैं वो पूरे देश के अंदर नंबर 2 पे है, और वहां पे जो करना चाह रहे हैं उसके अंदर वहां की शिक्षा ने उसको इन्फ्लुएंस किया, सरकार का अगर होता तो सरकार के अंदर अपराध इस नंबर पे नहीं बढ़ता। आखिर देश के प्रधानमंत्री जब चुनाव थे तो गुजरात में वो दौरा करे थे, बिना मांगे हेलीकॉप्टर से आए और 500 करोड़ रुपए का अनुदान देंगे। हम चाह रहे थे राजस्थान के मेरे भी भाई बहन जो सीमा पे गुजरात के लगे हुए थे, 5 जिले वहां पे 5 जिले थे, माननीय मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए का अनुदान मिला था, 1 करोड़ रुपए का नहीं दिया। सुनिए सुनिए, देखिए मैडम सुनिए, आप अपनी सिर्फ सीट को बचाए रखने के लिए इस प्रदेश की कितनी बड़ी जनता के हक को मार रहे हैं। आप प्रधानमंत्री हो या मेरा हो, इस देश का प्रधानमंत्री है, इस देश की प्रदेश की जनता के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। क्यों रुक गया? क्या हम मुख्यमंत्री के साथ की बात मानते हैं? 1000 करोड़ रुपए मांगा, देखिए जैसे आयोग को उपाध्यक्ष ने कर दिया, आज आप इस बात से नहीं जी सकते, आज आपको हमने कर्ज भी डुबा दिया, इस बात को नहीं लेना। जब हम गए गए थे हम सब सरकार देखिए, आप ये बोखलाहट बता रहे हैं आपके पास वो खर्चा नहीं है, आप ये बोखलाहट बता रहे हैं आपके पास
जवाब नहीं, जवाब सुनिए, अगर जवाब से आप संतुष्ट नहीं हो तो वापस आप ही के पास आऊंगा, बताइए। आप जो आरोप लगाए जा रहे हैं, एक तो बड़ा आरोप ये है कि प्रधानमंत्री जी पार्टी के कार्यक्रम में आ रहे हैं तो एक शुचिता की बात की जानी चाहिए कि पार्टी उसका खर्चा वहन करे, चाहे आप कार्यकर्ता के लिए। एक सेकंड, क्योंकि आरसी चौधरी साहब का है ये, क्योंकि अतीत में ऐसा कभी मैंने देखा नहीं है कि स्टेट में जिस पार्टी की गवर्नमेंट हो, केंद्र में वहां प्रधानमंत्री हो, सारा खर्चा सरकार के माथे डाल दिया जाता है। बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी। और मैं आज से नहीं देख रहा हूं, मैं जब छोटा सा बच्चा था तब से बड़े बड़ी बसें गांव में लगा करती थी और वहां से भीड़ दिल्ली लेके जाती थी कि इंदिरा जी की रैली है या सरकार में आप लोग आए तो किसी और की रैली है, तो ये सारी चीजें होती रही हैं। बात भीड़ की है, भीड़ को किस तरह से लेकर के आ जाएंगे, आप कैसे मुलाकात करेंगे, उसका पार्टीकरण नहीं हो, ये कांग्रेस का आरोप है कि उसका पार्टीकरण किया जाएगा, भीड़ को योजनाओं के नाम पर इकट्ठी करवाया जाएगा, पैसा सरकार खर्च करेगी, ये एक आरोप है। नहीं देखिए, ये तो बिल्कुल विशुद्ध सरकारी कार्यक्रम है और जो सरकारी योजनाओं को जो लाभ पहुंचा है वो लाभार्थी आएंगे, वो किस प्रकार आएंगे ये सरकार की जिम्मेदारी है, उनको व्यवस्था करेगी उसमें। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी ये प्रोग्राम नहीं है, और जो बूथ के हमारे जो लोग आएंगे, जो वो 50,000 बूथ के अध्यक्ष आएंगे, और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने स्वीकार किया कि 25,000 जो बूथ के हमारे अध्यक्ष थे वो फर्जी है। स्वीकार आप लोगों ने नहीं किया पहले ऐसे 70 साल से। योगेंद्र जी जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, रिफाइनरी जो बाड़मेर के अंदर जहाँ पे सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, सरकार को पैसा मिल रहा है, गए देश के प्रधानमंत्री ने इस प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात दी है, जो इस प्रदेश को रोजगार के तौर पे आर्थिक रूप से सुधर किया सही है ना, तो ये वहां पे लेके आए, आप लेके आते ना सब चीजें, हमारे पत्र जारी हुए ही नहीं थे उसके पहले से शिलान्यास हो गया। आपकी भी कमी है, उठाने के लिए जा रहे हैं, किसने क्या राष्ट्रपति शासन लगा दो, दोनों सरकार ने नहीं किया, आप ये बोल दीजिए, आप ये बोलिए राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, आप ये कई सरकार जी जवाब मत मान लेंगे, कई है मुझे ये कहना। अशोक गहलोत जी से पूछा था, अशोक गहलोत जी से पूछा था, इनका कहना साफ था कि सर अगर आपके टाइम पे ये एनओसी जारी करवा लेते आप लोगों की सरकार थी, राजस्थान में पहले चुनाव हुए बाद में तो केंद्र में चुनाव हुए, अगर ये एनओसी का मामला भी आप कंप्लीट करा के जाते तो सारी अड़चने नहीं रहती, क्योंकि आपने शिलान्यास भी करा दिया, सारे काम कर दिए, लेकिन एनओसी का जो मामला था, अरे इसका मुख्यमंत्री होता अंतिम समय पे काम करता, हमने काम किया, आपने क्या किया उस काम को आगे बढ़ाया क्या आपने, आपने 3 किलोमीटर की मेट्रो नहीं बना पाए, रिफाइनरी पे वहां पे एक माइल स्टोन नहीं बना पाए, आप क्या करें, आपने एक माइल स्टोन जिसकी मूल नीतियों ने शिलान्यास किया और उसका उद्घाटन किया, बता दीजिए एक भी कोई आपने काम किया हो जिसका शिलान्यास आपने किया हो, जिसका उद्घाटन आपने किया हो, आपके पास एक काम नहीं है जनता के लिए, प्रदेश के अंदर एक काम नहीं है, इस प्रदेश की जनता का आपने सिर्फ गाय मंदिर भरा दिखा इनके नाम पे लड़ाया और यहाँ पे दुष्प्रचार किया और इस प्रदेश को ठगा और खनन मापियों के हवाले कर दिया, खनन मापियों के हवाले कर दिया, किसानों को मरने में मजबूर कर दिया, गैर कानून सत्ता में आने मजबूर कर दिया, आज सबसे ज्यादा वहां पर लोगों की मार कर दी। आप पूछे देश के प्रधानमंत्री से कि एक्साइज ड्यूटी के नाम पे कितना इस प्रदेश को लूटा, इस प्रदेश को क्या दिया, कितना एक्साइज ड्यूटी कितना इस प्रदेश के लोगों ने आपने अभी बाहर लगा दिया, कितने
गरीब को भी जेल में आपने हर रात डाका डालते हो, पूछे गरीबों को बिल्कुल गर्त में खत्म कर दिया गरीबों को, किसानों कितने लोग किसान आपके यहाँ आत्महत्या कर रहे हैं, किसकी सरकार है, मर गया आपके गुनाहगार कौन है, कौन है, उनकी फसल नहीं खरीद पाते हो, एमएसपी पे 6% लोग नहीं खरीद पाते हो, उनका पैसा नहीं दे पाते हो, हाँ बोलिए कैसे मरे बताइए किसान, बताइए किसान घरेलू झगड़े से मरे तो ये सरकार की मंशा है कि जब किसान मरता है वो अपने घरेलू झगड़े से मरता है, क्योंकि इस सरकार ने उसको मजबूर कर दिया रसूखदारों के नीचे, सूदखोरों के नीचे, वहां से पैसा लेने के लिए। रोकना चाहूंगा, मैं श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। तो खैर, आप जो मजमून हमारा देख रहे हैं और हमारे नेताओं को आप इस तरह से जकड़ता हुआ देख रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप, हमारा जो मेन एजेंडा था वो यही था कि आप लोग देख सकें विधानसभा तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, मुद्दों को आधार बनाया जाना चाहिए, मुद्दे इस तरह से हैं कि आपने ये किया था, हमने ये नहीं किया था, हमने ये किया था, आपने ये नहीं किया था, आप देख रहे हैं सारी चीजें, और आरोप प्रत्यारोप भी हैं, कई नए हैं कई नए नहीं है, पुरानी चीजों को लेकर के आए गए हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि तस्वीर बदल रही है, बस केवल जो सारा सिस्टम है उसमें इस वक्त मुख्यमंत्री के स्थान पर उस वक्त अशोक गहलोत थे, आज वसुंधरा राजे हैं, उस वक्त प्रतिपक्ष की भूमिका में वसुंधरा राजे थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। तो जैसे ये कहा कि चीजें बदल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप की बुनियाद वही है। मैं श्याम जी के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा, श्याम जी ये तस्वीर मुझे लगता है कि कोई आखिरी नहीं दिखाई दे रही है, हम चैनल पर जो चर्चा कर रहे हैं आने वाले दिनों में ये चीजें और बढ़ेंगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरह से चलेगा। आपको ध्यान होगा कि किरीट सोमैया मुंबई से आकर के इसी तरह से प्रेजेंटेशन बीजेपी ऑफिस में दिया करते थे कि कहां पे करप्शन हुआ, कहां पे क्या हुआ। अभी भी लेकिन इस मुद्दे पे मैं कांग्रेस को थोड़ा सा बताऊंगा कि बीजेपी से पीछे, 2013 की भाजपा से पीछे, अभी भी कोई ठोस मुद्दा फैक्ट्स के आधार पे लेके नहीं आया गया। सुरजेवाला ने जैसे रखा कि हमने आरटीआई के माध्यम से निकलवाया है कि अमित शाह जी बैंक के निदेशक रहे, वहां पैसे इस तरह से जमा हुए। अभी अशोक गहलोत साहब आरोप लगा रहे हैं अखबारों के आधार पे या जो चर्चा है उनके आधार पे, कोई सोलिड ऐसा डॉक्यूमेंट कांग्रेस की तरफ से भी नहीं रखा जा रहा है जिसके आधार पर कहा जा सके कि अब बीजेपी को इसका जवाब देना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि आरोप आपने पूर्व मुख्यमंत्री जी की ये चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपने, हाँ, लेकिन आरोप आज बजरी वाला उन्होंने तरीके से लगाया है, शराब वाला लगाया उन्होंने, शराब के 500 करोड़ का भी जिक्र किया कि किसके कहने से अवैध वसूली हो रही है, जिस प्रकार का दो तीन चीजें थी इसमें सरकार को घेरा उन्होंने, और प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के उन्होंने जिस प्रकार की बातें कही, उन्होंने कहा कि जोधपुर के साथ अन्याय हुआ, स्मार्ट सिटी जोधपुर को बनाया, बाकी सब संभाग को बना दिया, तो उनका दिल का दर्द था, उन्होंने दिखाया कि मेरा जोधपुर, क्योंकि मैं अब वो बात जो प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है ना, इसलिए करें वो जोधपुर है, वो स्मार्ट सिटी घोषित हो जाएगा आने वाले समय में, ऐसा लग रहा है, इसलिए जोधपुर की लड़ाई को बहुत तेजी, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तो जोधपुर आपने देखा होगा बजट में बहुत सारी, अभी झालावाड़ आता है, पहले जोधपुर आता था, तो ये मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं, वो अपने क्षेत्र का इसलिए ध्यान रखते हैं कि उनको क्षेत्र बड़ा करता है, आज तक पहुंचाने का काम चलता है। मैं श्याम जी, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा, हालांकि आपने पहले ही कह दिया था कि देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे ये बयानबाजी और तीखी तेज होगी, और वैसा ही हम देख रहे हैं अभी, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर में, यहाँ पे नवंबर और दिसंबर के दरमियान में चुनाव होंगे, और अगर सरकार एक साथ कराना चाहती है तो अप्रैल मई में चुनाव हो जाएंगे, तो चुनाव का एक लंबा वक्त नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी नए नहीं है। आपने देखा जो हमने दिखाया आपको कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, लंबे समय से चल रहा है, लेकिन ये और तीखा होगा, जैसे कहा कि चुनाव नजदीक आएंगे तो ये सिलसिला इसी तरह से बढ़ता है, नया कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोगों तक वो तमाम वक्तव्य तमाम चीजें पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, जिसके माध्यम से आप जान सके कि आप चाहे कितनी तकलीफ में हो, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, बिजाई हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या किस पोजीशन, कर्जा माफ होगा नहीं होगा, आपने क्या सपने सजो रखे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन देश की राजनीति में सियासत कैसे गरमा रही है हम आप तक पहुंचाएं, ये हमारी ड्यूटी भी है। वो एक आपने नजरिया देखा, एक नजारा देखा और मजमून देखा, और जैसे जैसे चीजें आएंगी आप और देखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।